तो दोस्तों नॉन वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर के बाद एक और रजिस्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर। तो दोस्तों मोबाइल में कुछ ऐसा भी रजिस्टर भी होता है जिसमें वैल्यू लिखा गया होता है, इस तरह से कुछ कोड लिखा गया होता है जिससे हम इसका जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह का रजिस्टर बहुत ही कम होता है, लेकिन मोबाइल के अलावा और इस तरह का रजिस्टर जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अगर हम किसी लैपटॉप कंप्यूटर के बोर्ड में देखते हैं तो इस तरह का रजिस्टर ज़्यादा होता है, लेकिन समटाइम्स मोबाइल में भी एक दो रजिस्टर इस तरह का रखा गया होता है जिसे हम वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर कहते हैं। तो वैल्यू प्रिंटेड इसका नाम से ही हमें पता चल जाता है, मतलब इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो प्रिंटेड होता है। यानी कि रजिस्टर की बॉडी पे अगर आप देखोगे तो इस तरह का डिफरेंट कोड लिखा गया होता है जिसे हम वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कोड लिखा गया होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों इस रजिस्टर का जो एज होता है वो मेटालिक, यानी कि इसका जो दोनों बगल का जो पॉइंट है वो मेटल का होता है और इसके ऊपर इस तरह का वैल्यू लिखा गया होता है। तो मानिए किसी रजिस्टर के ऊपर 400 लिखा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 40 ओम होगा। इसका जो वैल्यू 200, अगर 200 वैल्यू लिखा है तो उसका जो वैल्यू होगा 20 ओम होगा। अगर 220 लिखा है तो उसका वैल्यू 22 ओम होगा और 440 लिखा है तो उसका वैल्यू 44 ओम होगा। दोस्तों कुछ वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर इस तरह का भी हो सकता है जिसमें इस तरह का कोडिंग लिखा गया होता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है 2210, मतलब लास्ट इसका वैल्यू हो जाता है 220, इसका वैल्यू हो जाएगा 330, इसका वैल्यू हो जाएगा 470। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ नीचे देख सकते हो, इसमें लिखा गया है 222, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2200, इसका वैल्यू हो जाएगा 4700, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3200। तो दोस्तों इसका वैल्यू फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो जैसे ये जो रजिस्टर है इसका जो लास्ट नंबर है उसको देखना है। तो लास्ट में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा है तो इसीलिए हम 2 के जगह पे 20 डाल देंगे और आगे का जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 2200 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके लास्ट में भी 2 है, तो इसीलिए इसके 2 के जगह पे हम 20 रख देते हैं और आगे का जो 2 नंबर है उसको उसको चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। तो इस तरह से रखने पर इसका जो वैल्यू है 4700 हो जाएगा और ये जो भी वैल्यू आता है उसका जो यूनिट होता है ओम होता है। ये भी जो वैल्यू आया है वो भी ओम में है, ये भी जो वैल्यू है वो भी ओम में है। तो अगर आप किलो में चेंज करना चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो किलो में अगर इसको चेंज करना है तो इसका जो वैल्यू है वो 2.2 किलो ओम हो जाएगा, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। तो इसको 1000 से भाग करने के बाद आप इस तरह का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो 4.7 किलो ओम आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो 3.2 किलो ओम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट का जो नंबर है वो 1 है, तो इसीलिए 1 के जगह पे हम 10 डालते हैं। तो 10 डालने के बाद इसका जो वैल्यू है 470 हो गया। यहाँ पे 10 डालने के बाद इसका वैल्यू 330 ओम हो गया और यहाँ पे 10 डालने के बाद इसका जो वैल्यू है 220 ओम हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसका जो लास्ट नंबर है वो 0 है, तो 0 है तो इसीलिए इसके जगह पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे। 1 होता तो 10 डालते, 2 होता तो 20 डालते, लेकिन 0 होने पर इसको इसके जगह पे कुछ नहीं डालना है, मतलब इसको खाली छोड़ देना है। तो खाली छोड़ने के बाद जो आगे का 2 नंबर है बस वही रह जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है 400 का वैल्यू 40 हो गया, 200 का वैल्यू 20 हो गया, 220 का वैल्यू 22 ओम हो गया और जो 440 का वैल्यू है वो 44 ओम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम रजिस्टर का जो वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक और रजिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, उसको आप वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 103 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 10 में हमें 3 जीरो डालना है। तो 3 जीरो डालने के बाद इसका वैल्यू इतना हो गया, तो ये हो गया 10000, यानी कि इसको हम 10 किलो ओम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 उसके बाद 3 3 जीरो, तो 3 के जगह पे हम 3 जीरो डाल देते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो 24 किलो ओम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 31 इसके बाद 3, तो 3 जीरो यहाँ पे डालते हैं तो इसका वैल्यू हो गया 31000, तो इसको हम 31 किलो ओम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली जो रजिस्टर होता है उसका, तो दोस्तों मोस्टली जो वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर होता है कुछ इस तरह का वैल्यू लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन इसके अलावा कुछ इस तरह का रजिस्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसपे इस तरह का कोडिंग लिखा रहेगा। तो इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको क्या करना है, जैसे 2 नंबर आप देख सकते हो बीच में कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है,
तो दोनों नंबर को कुछ नहीं करना है और जहाँ पे जो अल्फाबेट लिखा है उसके जगह पे आपको एक डॉट लगा देना है। तो इसका जो वैल्यू है वो हो गया 4.7 ओम। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2, बीच में के है, फिर 2 है, तो दोनों को उसी तरह रख देना है, बीच में एक डॉट लगा देना है के की जगह पर। तो इसका जो वैल्यू हो गया 2.2 किलो ओम, क्योंकि अंदर के था इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो किलो ओम हो गया। इस यहाँ पे आर था इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो ओम हो गया। तो दोस्तों कुछ समटाइम्स आपको इस तरह का रजिस्टर भी देखने को मिल जाएगा जिसका वैल्यू R16 लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी जो अल्फाबेट है उसके जगह पे हम डॉट डालते हैं और नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो 0.16 ओम हो गया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के के जगह पे हम डॉट डालते हैं और 0.55 किलो ओम, यानी कि 1 ओम। अगर यहाँ पे के है तो उसे हमें किलो ओम लिखना है, यहाँ पे अगर आर है तो हमें उसे ओम में लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो वैल्यू प्रिंटर रजिस्टर है उसका वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों वैल्यू प्रिंटर रजिस्टर का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हमें चेक किस तरह से करना है, तो इसको चेक करने के लिए इसका वैल्यू हमें पता चल चुका है तो इसको हम पहले की जैसे ही चेक करेंगे, यानी कि मैंने हमें इस रजिस्टर को चेक करना है। तो इसका वैल्यू हमें मालूम हो चुका है 220 है, तो 220 चेक करने के लिए हमें इसे कहाँ रखना है, हमें इसे 200 में रख के तो नहीं चेक कर सकते क्योंकि 220 200 से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हमें इसे कहाँ रखना है, 2 किलो में रखना है। 2 किलो में रखने के बाद ये जो मल्टीमीटर है वो इसका वैल्यू कितना शो करेगा, इसका वैल्यू मल्टीमीटर 0.22 शो करेगा, इसका वैल्यू मल्टीमीटर 0.22 किलो ओम शो करेगा, क्योंकि ये ओम, क्योंकि ये जो रेंज है वो किलो में है। तो दोस्तों ये जो भी वैल्यू दिखाएगा वो किलो ओम में होगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास इस तरह का अगर कोई मल्टीमीटर है तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो ओम का रेंज है आप देख सकते हो यहाँ पे 200 ओम है, उसके बाद 2000 लिखा हुआ है। तो 2000 और 2 किलो मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर को रख के चेक करते हैं तो जो ये 220 का वैल्यू है उतना ही दिखाएगा, ये 0.22 किलो ओम नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ओम में ही दिया गया है। लेकिन किलो में रखने के बाद क्या होगा, वो जो वैल्यू है वो किलो में शो करेगा। तो दोस्तों मल्टीमीटर का जो कैलिब्रेशन है कुछ डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट मल्टीमीटर में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वैल्यू ओम में है तो आप उसका जो भी वैल्यू है उसे ओम में लिख, लेकिन अगर आप किलो ओम में रख के चेक कर रहे हो तो जो भी वैल्यू ये मल्टीमीटर दिखाता है उसे आपको किलो में रख के चेक, मतलब उसको आपको किलो में लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी रजिस्टर का वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए मैं इस तरह की रजिस्टर को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मोबाइल में इस तरह का रजिस्टर कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं इस तरह की रजिस्टर आपको लैपटॉप का बोर्ड में इस तरह का रजिस्टर होगा तो वहाँ से खोज के मैं आपको इस तरह का रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक लैपटॉप का बोर्ड है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक रजिस्टर है जिसपे 4R7 लिखा हुआ है, ऊपर इसके बड़ी में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 4R7। तो इसका तो दोस्तों इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 4.7 हो जाता है, तो इसको चेक करने पर इसका जो वैल्यू है 4.7 के करीब में आना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू मल्टीमीटर शो करता है वो कुछ इससे 5-10% ज़्यादा या कम भी हो सकता है दोस्तों। तो रजिस्टर का वैल्यू अगर कुछ मतलब 5-10% ऊपर नीचे भी आता है तो तभी आपको उस तरह की रजिस्टर को ठीक मानना है, क्योंकि जो रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसका मतलब घटवट लेवल 10% तक हो सकता है। तो चलिए इस रजिस्टर को हम चेक करके देखते हैं इसका जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सबसे पहले 200 के ओम में रेंज में रख, जैसे आप देख सकते हो मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम के रेंज में रखा हुआ है और इसको चेक करते हैं और देखते हैं इसका जो वैल्यू है कितना आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है 5.1 आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है 5.1 के करीब में दिखा रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है 4.7 आना चाहिए, लेकिन 4.7 से कुछ ज़्यादा ये वैल्यू दिखा रहा है। तो इस तरह की अगर वैल्यू आ रही है तो इस रेशियो को आप ओके मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं भी आ सकता है, क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है ये जो मल्टीमीटर है उसका उसमें कुछ इरर हो सकता है। जैसे इसको मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब मल्टीमीटर का इरर कितना है। तो दोस्तों किसी भी मल्टीमीटर में इरर है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो दोनों तार है इसको इस तरह से टच करना है। तो टच करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे 0.5 या 0.4 के करीब में वैल्यू दे रहा है, तो इसका जो वैल्यू है 0 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 0.4। तो जो भी ये वैल्यू शो करेगा उसमें से ये वैल्यू आपको घटा देना है, तो इसको घटाने के बाद जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगा। तो अगर आप 5.1 में से 0.4 घटाते हो तो
4.7 के करीब में आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो रजिस्टर है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है 5.1, जिसमें से 0.4 हमें घटाना है, क्योंकि जो 0.4 है वो हमारा जो मल्टीमीटर है उसका इरर वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी वैल्यू प्रिंटर रजिस्टर को चेक कर सकते हैं और उसमें फॉल्ट है या नहीं है उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं।